हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एन एटीएस। दोस्तों, 3 सितंबर 2020 जेई मेंस का शिफ्ट 1 का पेपर खत्म हो चुका है और हम एनालिसिस लेकर आए हैं केमिस्ट्री के पार्ट की। यहां पर देखिए दोस्तों, पिछला पेपर हुआ था 2 सितंबर को, उनका पेपर एनालिसिस हमने पहले ही कर रखा है। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे किस पार्ट का कितना वेटेज रहा, किस चैप्टर से क्वेश्चन आए, 11th 12th में क्या पार्टीशन रहा क्वेश्चन का, और साथ ही साथ में हमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से कितने कितने क्वेश्चन आए, जिससे कि आपको एक ब्रीफ आइडिया पड़ जाए कि इस चैप्टर पे आपको कितना ध्यान देना है, अगर आपको एक बार रिवीजन करना भी हो। क्योंकि अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं जेईई मेंस के और बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार रिवीजन कर रहे हैं। खैर दोस्तों, टाइम को बिना बर्बाद किए हम चालू करते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। खैर दोस्तों, आज हम देखने वाले केमिस्ट्री पेपर जेई मेंस 2020 का 3 सितंबर का शिफ्ट वन का पेपर, शिफ्ट वन। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे, किस क्वेश्चन पेपर की, केमिस्ट्री के पेपर की। सबसे पहले बात करें अगर हम क्लासेस की, तो क्लास 11th से और क्लास 12th से कितने क्वेश्चंस आए इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अब वैसे तो टोटल क्वेश्चंस 25 थे पेपर में, 25 क्वेश्चंस थे, 20 एमसीक्यूज थे जिसमें की, और 5 इंटीजर टाइप थे, 20 एमसीक्यू और 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे। पर हमारे पास अभी फिलहाल डाटा के हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चंस ही अवेलेबल है, तो उनकी हम जो भी एनालिसिस है वो आपको करके बता देंगे। जैसे ही हमारे को बाकी के 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, हम उनकी एनालिसिस भी डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे। खैर, क्लास 11th में अगर देखें हम तो वेटेज तो लगभग 8-10 क्वेश्चंस दोस्तों आए इस साल क्लास 11 से, थोड़ा सा वेटेज क्लास 11 का कम रहा। साथ ही साथ में क्लास 12 से 10-12 क्वेश्चंस आए। अगर कहें तो हम 40% के आसपास जो वेटेज था, 40-45% का वेटेज वो 11th क्लास में रहा, और लगभग 50-60% का जो वेटेज था वो दोस्तों क्लास 12th का रहा इस बार। क्योंकि क्वेश्चंस जो थे पी ब्लॉक से कुछ ज्यादा आए, सॉल्यूशन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस आए हैं। खैर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, चैप्टर वाइज भी हम बात करेंगे। दोस्तों, पहले आप यहाँ पे देखिए, इनऑर्गेनिक से अगर बात करें तो लगभग 8-9 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, 8-9 क्वेश्चन, जिनमें से ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो किससे थे, पी ब्लॉक से थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थे। दोस्तों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े से कम 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले, और वहीं पर फिजिकल से लगभग 8 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिले। ज्यादा वेटेज क्योंकि 12th क्लास का था, तो 12th वाले चैप्टर्स जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट्स हो गया, इन सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। खैर, इसके अलावा 11th से भी क्वेश्चन है, अभी हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पर बात यह रही, खैर दोस्तों, आज का जो पेपर था थोड़ा सा कल के पेपर से, केमिस्ट्री का पेपर हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा लेवल अप था दोस्तों, हल्का सा पिछले पेपर से लेवल थोड़ा सा ठीक था। पिछला पेपर तो बहुत ही ज्यादा लल्लू टाइप में था, 60-70 क्वेश्चन के पेपर, 60-70 नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ गए थे आपके। खैर दोस्तों, अभी बात करते हैं हम। खैर, तब तक अगर आपको स्नैपशॉट खींचना हो तो आप इसका खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कितना वेटेज रहा है। अब बच्चों, ये देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा था, किसका कम था, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको अगर टाइम कम है तो छोड़ देना चाहिए, और रिवीजन अगर, और अगर आप अभी भी रिवीजन कर रहे हैं, आपका पेपर 5 या 6 तारीख को है, तो किन चैप्टर्स को आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। खैर, बात करते हैं सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे ख्याल में, अगर किसी चैप्टर से नियमित रूप से हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, दवा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो चैप्टर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इस बार धूम मचा दी, 3 क्वेश्चंस आए, 12 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस आए हैं बेटा, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली पी ब्लॉक से आ गए, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो थे काफी ही, उनका लेवल काफी इजी था। एक तो आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी काफी इजी था, और कुल मिलाकर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। खैर, जो दूसरा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा आए हैं वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे बेटा 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, एक तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन इसमें और था। फिर बेटा तीसरा जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग वाला जो आपका पार्ट आता है, पीरियोडिक टेबल के बाद में ही जस्ट आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, वहां से बेटा 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अच्छा था, एमओटी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया था, और पीरियड टेबल का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज्यादा जो नोमेनक्लेचर होता है उस पर सवाल आया था, बहुत ही इजी सवाल है, सीधी सीधी टेबल दे रखी है, उससे आपका ये क्वेश्चन हो जाता।
अगर किसी ने पढ़ा होगा तो खैर हो ही गया होगा। वहीं पे बेटा मोर कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया है, सॉल्यूशंस से एक क्वेश्चन आया है और सॉलिड स्टेट से एक एक क्वेश्चन आए हैं, पर जो एक क्वेश्चंस का लेवल था वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं था। खैर अगर बात करें हम मोर कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक सा था, बाकी इन दोनों सॉल्यूशंस और सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन काफी इजी थे। आपका सरफेस केमिस्ट्री से एक सवाल आया है टिंडल इफेक्ट पर, बेटा टिंडल इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। थर्मोडायनामिक्स का पार्ट जो है उससे भी आपका एक क्वेश्चन आ गया है। वहीं पर आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसके अंदर आपको बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बफर सॉल्यूशन आयोनिक में, जितना मुझे बेटा याद आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूं, आयोनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अब जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ये लाइन से जो तीन दे रखे हैं मैंने, इलेवेंथ की ऑर्गेनिक यानी कि जो आपका जीओसी वाला पार्ट रहता है, बेसिक केमिस्ट्री थी, जेडल्स मेथड वगैरह से क्वेश्चन था आपका, खैर उसमें मोल कॉन्सेप्ट का भी काम हो जाता है, और एक क्वेश्चन और था जीओसी से, तो दो क्वेश्चन आपको इलेवेंथ ऑर्गेनिक से मिले हैं, साथ ही साथ में एवरीडे केमिस्ट्री लाइफ जो मैं ऑर्गेनिक का ही पार्ट मानता हूं उसे, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि एसिड रेन से रिलेटेड था, एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद ऐसा पूछा गया था कि इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उससे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वहां पर एसिड रेन एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन करेक्ट था। खैर और अगर बात करें हम ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आपके एल्कोहल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ये सब जो आते हैं, इनसे भी आपको दो से तीन क्वेश्चंस मैकेनिज्म बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस, मैं कहूंगा सबसे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपकी ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक से पूछे गए हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस थे उनमें। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या फिर हो सकता है गलत भी कर दो। खैर जो क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पीक लोग अगर आपका तैयार है तो आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, तीन क्वेश्चंस देखने को मिले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी दो क्वेश्चन देखने को मिले, कोई जो क्वेश्चन था दोनों ही क्वेश्चन थे काफी ईजी थे, ज्यादा इनमें आपको घबराने वाली बात नहीं थी, पीरियोडिक टेबल से काफी इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट्स और सरफेस केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चंस थे, और ऑर्गेनिक में भी अगर मैं ओवरऑल बताऊं थोड़ा सा, वैसे तो ऑर्गेनिक का पार्ट हल्का सा हार्ड था, बट अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर मॉडरेट था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं कह सकते आप उस पेपर को। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो हमने एनालिसिस किया है आपको भी पता चला होगा किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए, और मेरी राय तो ये रहेगी कि आप पीरियोडिक टेबल पे पी ब्लॉक पे हाइड्रोजन चैप्टर हो गया आपका, सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट्स, इन चैप्टर्स को आप एक बार दोबारा पक्का करें कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आना पक्का है। खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री के पेपर की एनालिसिस दोबारा लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।